नमस्कार, आर किचन में आपका स्वागत है। आज आपको मैं एक 1.5 साल के बच्चे के टॉप बनाना सिखाऊंगी, शोल्डर कट, जो बनानी बहुत आसान है और बहुत सुंदर लगती है। ये मैंने चौड़ा कपड़ा कर लिया है। इसकी मैंने लंबाई 18 इंच लंबाई ली मैंने, और चौड़ाई मैंने 8.5 इंच ली, बाकी 8.5 मतलब 4 तह कर लिया हमने, बाकी 16 हो गई, 17 बाकी 17 का डबल कर लिया हमने, 8.5 हो गई। अब हमने यहाँ से कि मेरे पास पीस था जो सूट में बचा हुआ था, 6 इंच मैंने यहाँ से रखा और 4 इंच लंबा, थोड़ी सी हमने ऐसी गलाई दी। इसके हमने गला नहीं काटना क्योंकि हमने ऊपर इसके ये फ्रिल लगानी है। ये देखो मैंने फ्रिल तैयार की है। ये मैंने 20 इंच डबल कर ली है और लंबाई इसकी मैंने 7 इंच रखी है। ये डबल मैंने करके इसके ऊपर मैंने लैस लगाकर ये तैयार कर ली मैंने। सिंपल कुछ नहीं किया, सिंपल ऐसे मैंने तैयार कर ली। अब हम यहाँ ब्रजेब लगाएंगे, ये ऐसे लगाएंगे, इसकी बाजू बीच में आ जाएगी, दोनों तरफ से बाजू भी निकलेगी। चलो हम इसको काट लेते हैं। ऐसे इसके ऊपर ऐसे इसको लगा देंगे। इसकी हम फ्रिल बन जाएगी। वो पहले हम इससे लगाने से पहले हम ये साइडो में पाइपिंग लगा के और नीचे सीन लगा लेंगे। पहले इसे हम पाइपिंग से कवर कर लेंगे। पाइपिंग लगानी तो इसे ऐसे भी कवर हो जाता है। ऐसे वो आपकी इच्छा मुताबिक है, या पाइपिंग लगाना चाहते हो तो पाइपिंग लगा कर मोड़ लो, ये तो ऐसे भी मुड़ जाएगा। पाइपिंग लगानी तो हम इसे पाइपिंग काट लेते हैं। हमारे पास एक कपड़ा है, हम लगाना आपको दिखाते हैं। अब हमारी कटिंग हो गई है। इसके लिए हमें इलास्टिक चाहिए, नीचे लगाने के लिए कुछ अच्छा सा रिबन मैंने ब्लैक ऊपर लगाया, नीचे भी ब्लैक ही लगा दूंगी। अब इसकी हम ये लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। पहले हम ये साइडों के सीने लगा लेते हैं।
ऐसे डबल करके ऐसे लगा देंगे। खींचना नहीं इसको, अपने आप है। काट देंगे, अब इसे ऐसे फोल्ड करके एक्स लगाई लगा लेंगे। फोल्ड करके वैसे ऐसे ही ऐसे हम दोनों पासे कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये तैयार हो गया हमारे दोनों तरफ से। अब इसका सेंटर कर लेंगे। और इसका भी हम सेंटर कर लेंगे। ये मैंने सेंटर कर लिया इसका भी, और जहाँ भी लगा लिए ये दोनों सेंटर, ये भी सेंटर। अब हमने शुरू करनी है यहाँ से लगानी, सिंपल सीन लगानी है। सीधी तरफ से सीधा ही रखना है। इतना यहाँ जोड़ देंगे, सेंटर सेंटर मिलाकर ये लगा लेंगे। ये किनारे किनारे सीन लगानी है, चाहे बक्कियां थोड़ा बड़ा कर लिए। इसी तरह दूसरा तरफ भी जोड़ लेंगे। इसका सेंटर, उसका सेंटर।
जी हमारी पूरी हो गई। अब हमने इसका नेफा बनाना है, क्योंकि हमने इसमें अंदर लास्टिक डालनी है। अब इसका हम ऐसे करके एक फोल्ड और दूसरे फोल्ड, इसकी बाजू साथ में ही निकल आई है, ऐसे हम इसका नेफा बन लेंगे। नेफा बनाकर फिर इसमें लास्टिक डाल देंगे ऐसे। ऐसे पूरा नेफा बन लेते हैं। ये देखो ये पूरा मैंने हो गया। अब इसमें हम लास्टिक डालते हैं। ऐसे हम लास्टिक डाल देंगे। इलास्टिक दो तीन सीने लगा पक्का हो जाए। अपने बच्चे के हिसाब से आप इलास्टिक डाल लेना। ये देखो ये बनके तैयार हो गई। अब हम नीचे वाला घेरा फोल्ड करके जहाँ भी रिबन लगा लूँगी आपको बना फोल्ड करके रिबन लगा के आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो ये बनके पूरी तैयार हो गई। बनके कुछ ऐसी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल बटन को दबाना, हमारी नवी लेटेस्ट आपको वीडियो मिल सके।